नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया। बेहद रोमांचक इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने मजबूत मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर जीत दर्ज कर ली और सीरीज का आगाज बेहतरीन तरीके से किया। इस मैच में वेस्टइंडीज टीम के जीत के हीरो रहे ब्लैकवुड, जिन्होंने दूसरी पारी में संघर्ष करती हुई टीम के लिए 95 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा टीम के गेंदबाज शरण गैब्रियल की भूमिका भी काफी अहम रही, जिन्होंने मैच की दोनों पारियों में मिलाकर कुल 9 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट निकाले थे। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम अब 1-0 से आगे हो गई है। आपको बता दें, इंग्लैंड की टीम को बेन स्टोक्स की कप्तानी में पहले ही टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है। जो रूट के ना होने की वजह से उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया था, वहीं जो डर पहले से इंग्लैंड को सता रहा था वही हुआ और कैरेबियाई गेंदबाजों ने मेजबान टीम के बल्लेबाजों की एक नहीं चलने दी। कोविड-19 महामारी के बीच खेले गए इस टेस्ट मैच के दौरान रोमांच अपने चरम पर रहा और क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें, इंग्लैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 204 रनों पर ढेर हो गई थी। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी पहली पारी में 318 रन बनाए और 114 रनों की मजबूत बढ़त ले ली थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की और 313 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके बाद वेस्टइंडीज को 5वें दिन 200 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और लगातार अंतराल पर उसके विकेट गिरते चले जा रहे थे, यहां तक कि 9 रन के स्कोर पर उनका 3रा विकेट गिर गया था। लेकिन इसके बाद ब्लैकवुड ने रोस्टन चेज के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप की और ना सिर्फ टीम को संभाला बल्कि स्कोर को भी 100 के पार ले गए। आपको बता दें, रोस्टन चेज ने जहां 37 रन बनाए वहीं जर्मन ब्लैकवुड ने 154 गेंदों पर 95 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि ब्लैकवुड अपने शतक से चूक गए। इसके बाद कप्तान जेसन होल्डर ने कोई गलती नहीं की और टीम को जीत तक ले गए। वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आपको बता दें, दोनों पारी में शानदार गेंदबाजी करने वाले शरण गैब्रियल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। आपको बता दें, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में 16 जुलाई से खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।